हेलो एवरीवन, आई एम प्राची गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर एट IIT कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा. सो टुडे माय टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन विच वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड देन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओवरव्यू एंड देन आफ्टर we will discuss about the objective and nature of the contract of indemnity, and then we will discuss about the condition of the contract of indemnity, and after that position of contract of indemnity in England and in India. At last, case law, judicial pronouncement, and in the last we will discuss the conclusion of this topic. Okay. So, next slide. इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट में जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, उसके बाद ही जाके हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, कैसे एक ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस में चेंज होता है, देन एग्रीमेंट, और उसके बाद जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है कोई एग्रीमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ पाता है. जब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तभी हम उसके अलग अलग टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वन ऑफ देम, एंड आफ्टर दैट देर आर सो मैनी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एजेंसी, बेलमेंट एंड प्लेज. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट वी विल डिस्कस और वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो इंडेमनिटी होता क्या है? बेसिकली इंडेमनिटी एक सिंपल एक लाइन में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो एक पार्टी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, दो पार्टी में से एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्शन देती है कि कोई भी लॉसेस की स्थिति में वो उसे कंपनसेट करेगी. ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में इसका मीनिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का. इसे थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे. तो इंडेमनिटी इज द काइंड ऑफ कंपनसेशन दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी पोटेंशियल लॉसेस, एंड इन ब्रॉडर सेंस इंडेमनिटी रिफर्स टू द पेमेंट ऑफ मनी टू अ पर्सन हु हैज लॉस्ट मनी, गुड्स एंड अदर प्रॉपर्टीज. यहाँ पे चीज ध्यान रखने वाली है, तीन चीजों की बात की गई, मनी, गुड्स एंड अदर प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज के ही रिगार्डिंग ये बात कर रहा है. ड्यू टू द एरर ऑफ थर्ड पार्टी, ड्यू टू द एरर ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पक्षकार की किसी गलती की वजह से या कुछ भी हो सकता है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लिश लॉ, क्योंकि ये ब्रिटेन ज्यादातर अपने इंडियन लॉ ब्रिटेन से ही ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर हैं या वहां से ही ओरिजिन है उनकी. तो ये भी एक टॉपिक है जो कि जिसकी ओरिजिन हमें इंग्लैंड या इंग्लिश लॉ से मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट है दिस इन दिस पीपीटी इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, आल्सो प्रोवाइड्स इट्स पोजीशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया, एंड फर्दर इट गिव्स द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124 ऑफ द ICA, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ओवरव्यू में देखें तो ये टर्म जो है इंडेमनिटी वो कहाँ से आया है? ये इंडेमनिटी टर्म लैटिन के इंडेमनिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है अनहर्ट और फ्री फ्रॉम लॉस, अनहर्ट और फ्री फ्रॉम लॉस. ठीक है, एज वी ऑल नो द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड एन इंडेमनिटी और इंडेमनिफिकेशन इज टू ट्रांसफर सम और ऑल ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. As per section 124 of the ICA, an agreement by which one party promises to save the other from loss caused to him by
कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, ये बात ध्यान रखिएगा, बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, या तो जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि वो किसी लॉसेस से बचाएगा तो उसी की कंडक्ट से कुछ लॉस हो रहा हो, या बाय द लीड ऑफ समवन, मतलब थर्ड पार्टी, या तो खुद ही प्रोमिसर की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो लॉस कॉज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से और क्लियर समझ पाएंगे हम लोग। एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू द इंडेमनिफाई वाई अगेंस्ट द कंसीक्वेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट क्यू मे ब्रिंग अगेंस्ट वाई। यहाँ पे एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वाई से, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर क्यू ने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, क्यू ने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग वाई के अगेंस्ट की, तब उस स्थिति में एक्स कंपनसेट करेगा कोई लॉस अगर सफर कर रहा है वाई। ठीक है, मॉनेटरी लॉस अगर सफर कर रहा है वाई तो एक्स उसे कंपनसेट करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये चीज क्लियर हुआ, ये तो सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू बी इंडेमनिफाई बी इफ हिज कार इज डैमेज इन एक्सीडेंट। ए ने बी से प्रोमिस किया है, क्या प्रोमिस किया है, अगर उसकी कार किसी एक्सीडेंट में डैमेज होती है तो बी उसे कंपनसेट करेगा। देन बी मेट विद अ माइनर एक्सीडेंट इन विच ही डिड नॉट सफर एनी इंजरी बट कार वॉज डैमेज कंप्लीटली, एंड इन दिस केस हेयर ए इज ऑब्लाइज टू इंडेमनिफाई बी फॉर द डैमेज। यहाँ पे अच्छे समझ जाइएगा, जब दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो रही हैं और उसने एक पार्टी ने कहा है कि कोई भी लॉसेस अगर अदर पार्टी सस्टेन करेगी तो पहली पार्टी, फर्स्ट पार्टी उसे प्रोमिसर जो की है, इंडेमनिफायर है, वो सेकेंड पार्टी को कंपनसेट करेगी। ठीक है, तब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑब्जेक्टिव एंड नेचर, देखिए ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड करना किसे, अदर पार्टी को। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हैं उसमें से एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि लॉस के किसी भी दशा में उसे वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका पर्पस ही, सोल पर्पस इसी में है कि वो एक पार्टी को सेफ गार्ड देता है या प्रोटेक्शन देता है। हाँ, तो द पर्पस ऑफ इंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज टू सेफ गार्ड द प्रोमिसी फ्रॉम अनफोर्सीन लॉसेस, जो कि लॉसेस या भविष्य में होने वाली घटनाओं की वजह से जो लॉसेस सस्टेन करेगा उसको वो कंपनसेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जैसे कि आप जानते हैं आप अपने कॉन्ट्रैक्ट आप ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो अगर ओरली और रिटर्न में आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है तब वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, जैसे कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के हिसाब से आप एक इंफेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जैसे कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, पार्टीज में डायरेक्टली प्रोमिस देयर ओन कंडीशन इन सच कॉन्ट्रैक्ट द नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस में ऑल्सो क्रिएट इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली वो सर्कमस्टांसेस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज अ कंटिंजेंट इन नेचर, कंटिंजेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस तरह की घटना जैसे कि सेक्शन 131 से 36 तक हम लोग पढ़ते थे आईसीए में, वैसे ही इट हैज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड इट मेनली प्रोवाइड्स अ सेफगार्ड प्रोविजन फॉर पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, किस लिए, फॉर पोटेंशियल रिस्क, सेफगार्ड प्रोविजन फॉर पोटेंशियल रिस्क जो कि फ्यूचर में होने वाला है एंड अनसर्टेनिटी से। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट नेसेसरली फॉलो ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर इंस्टेंस ए फुलफिल बीस रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, ए बेन ए प्लस टू मेक अप फॉर बीस लॉसेस इफ ही इनकर्स, दे इम्प्लाय द फॉर्मेशन ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन में समझाया था वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट
को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वहां पे बहुत सारी कंडीशन होती हैं, सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, काफी सारी सेक्शन है वहां पे। फ्री कंसेंट की बात की गई है, जैसे कि है ना, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, हाँ, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, सेक्शन 23 और 25 में बताया गया है। ये सब कंडीशन है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये सब कंडीशन है जो आपने पहले भी पढ़ी है, तो ऑलरेडी फुलफिल करना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट माइनस पहले सेक्शन 11 टू 15, 17, 18, जितने भी सेक्शन है जो कि कंडीशन है प्री रिक्विजिट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कंप्लीट हो जाए, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का गठन करते हैं। तो वो प्री रिक्विजिट है। अब नेक्स्ट है, इसकी क्या कंडीशन है? तो जैसे कि सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या? सबसे पहले दो पार्टी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, वहां तीन कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज में होते हैं, बट यहाँ पे दो ही पार्टीज है। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, इसे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। दोनों ही थोड़ा बहुत सिमिलर लगते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा हम डिफरेंस कर पाते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी है और वहां पे तीन पार्टीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर वन ऑफ द पार्टी मस्ट प्रोमिस अदर टू पे फॉर द लॉस इनकर्ड। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इस प्रकार की सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में अगर लॉस होता है प्रोमिसी को, तो प्रोमिसर उसे क्या करेगा? कंपनसेट करेगा लॉस इनकर्ड हुआ तब, ठीक। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस के बारे में बताया है आपको कि एक्सप्रेसली भी हम कहीं भी रिटन ओरली बोल सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड, इम्प्लाइड भी हो सकता है कि हाँ हमने ये सर्कमस्टांसेस से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट को का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी भी एलिमेंट जो कि हमने पहले पढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट में, 11 से स्टार्ट होता है ना, 15 तक, ये सब चीजें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, मेजर हो, लीगल ऑब्जेक्टिव हो, कंसिडरेशन होना चाहिए लीगल, और साथ ही साथ फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सब चीजें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ी हैं, और वही यहाँ पे बोल रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की चीजें यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन कौन सी पार्टीज होती है? देखिए, उसमें दो ही पार्टी होती है, पहला है प्रोमिसर और इंडेमनिफायर, और सेकेंड है द प्रोमिसी और इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। ये दोनों कौन है? एन इंडेमनिफायर इज अ पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर लॉस बट नॉट बियर द लॉस। कंपनसेट करेगा लॉस कौन? जिसने प्रॉमिस किया, उसी को प्रोमिसर कहते हैं, इंडेमनिफायर कहते हैं, ठीक है, इंडेमनिफायर, सॉरी, इंडेमनिफायर भी तो कहते हैं। सेकेंड कौन है? प्रोमिसी, जिससे वो प्रॉमिस कर रहा है कि इस सिचुएशन में वो उसे कंपनसेट करेगा। प्रोमिसी और इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? एन इंडेमनिटी होल्डर इज पर्सन हुज लॉसेस आर कंपनसेटेड बाय द इंडेमनिफायर, ठीक, जो कंपनसेट होगा, कंपनसेट जिसे किया जाएगा, वो प्रोमिसी है और वही इंडेमनिफाइड है, वही इंडेमनिटी होल्डर है। नेक्स्ट है, प्रोमिस टू पे लॉस। देखिए, लॉस होगा तभी वो पे कर पाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज वन इन विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट द अदर पार्टी फ्रॉम द हार्म ब्रॉट ऑन बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टी। वन पार्टी मस्ट प्रेजेंट अ कंडीशन टू अनदर पार्टी एंड अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट। प्रोमिस अगर करेगा, क्या प्रोमिस करेगा? कि वो लॉस सस्टेन करेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है या गठित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में आपको बता ही दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह से गठित किया जा सकता है, दोनों तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी अ लॉस इनकर्ड। लॉस होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ और आप कंपनसेशन के लिए बोल रहे हैं। द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज दैट द लॉस मस्ट बी इनकर्ड बाय द प्रोमिसी, मस्ट बी इनकर्ड। द प्रोमिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट इफ प्रोमिसी सफर नो लॉस। तब वो कंपनसेट नहीं करेगा, वो भी पेमेंट नहीं करेगा, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन,
लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो लॉफुल ही उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन होना चाहिए, सेक्शन 23 और 25 में बताया गया है आईसीए में, वही बात यहाँ पे बोली गई है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड फॉर वैलिड पर्पस एंड लॉफुल कंसिडरेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज कॉन्ट्रैक्ट टू एंगेज इन अनलॉफुल बिहेवियर और कंडक्ट दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। किसी ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो अनलॉफुल हो, इलीगल हो या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, इतना समझने के बाद हम आ जाते हैं पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंडिया में जो भी लॉ है ज्यादातर ब्रिटिश एरा का है, तो वहीं पे जो भी रिटन लॉ है वहीं से इंस्पायर्ड है, तो कुछ ना कुछ एसेंस वहां का यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। लॉ ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो इंग्लैंड में जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में है, वाइडर सेंस में है इन कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में थोड़ा सा नैरोअर है इसका स्कोप। तो क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम यहाँ पे भी समझ पाएंगे, इंडिया और इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। द वर्ड इंडेमनिटी इज यूज्ड इन वाइडर सेंस अंडर द इंग्लिश लॉ। इट इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन फ्रॉम लॉसेस caused by number one human agency, number two human sorry number one human, number two agency, number three any other event like accident। but यहीं पे difference हो जाता है, इंडिया में human and agency को तो include करते हैं but event like accident को include नहीं करते हैं। That are not control of any person. As any accident ऐसे ही होता है जो किसी के control में नहीं होता है। It also identifies the contract of insurance other than लाइफ इंश्योरेंस। इंग्लैंड में इन्होंने इंश्योरेंस को भी इंक्लूड किया बट लाइफ इंश्योरेंस को इंक्लूड नहीं किया, जबकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस को भी और अदर इंश्योरेंस को भी इंक्लूड नहीं किया गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। द रीजन फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस एज इंडेमनिटी इज सिंपल, इट इज बिकॉज कंडीशन आर डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड पेमेंट ऑन डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है, और आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से थोड़ा अलग है। बट डस नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ इंडेमनिटी, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को वहां पे तो एक्सक्लूड किया है, इंडिया में भी एक्सक्लूड किया है। ऑन द अदर हैंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नॉट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अंडर इंडेमनिटी, यहाँ पे भी नहीं है। बट प्रिवी काउंसिल का एक केस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 1938 का। इस केस में इट रिकॉग्नाइजेस इट एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडेमनिटी, ठीक है, बट 13 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था वन सेक्शन 124 में अमेंडमेंट के लिए, जो कि अभी तक नहीं है। प्रपोज यही किया है कि वो इंश्योरेंस को इंक्लूड करे। नेक्स्ट है इंडिया में क्या इसकी पोजीशन है। एज स्टेटेड अबव इंडेमनिटी इन इंडिया हैज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ आईसीए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉस ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द थर्ड पार्टी, इन्हीं दोनों की वजह से जो लॉस होते हैं उसे वो कंपेंसेट करता है। द डेफिनेशन इज ओनली लिमिटेड टू द लॉस कॉज बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन एजेंसीज, ह्यूमन और एजेंसीज बट नॉट अदर। ये हमने बताया ही कि यहीं पे डिफरेंस हो जाता है, नॉट इंक्लूडेड द लॉस दैट कॉज ड्यू टू द इवेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल और फॉर्सिन बाय एनी पर्सन एज स्टेटेड इन केस ऑफ। इस केस में भी बोला गया है गजनन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन में कि थर्ड चीज थर्ड मतलब क्या इवेंट्स है ना, अनफोर्सिन इवेंट को इंक्लूड नहीं किया गया बल्कि सिर्फ ह्यूमन एंड एजेंसी को इंक्लूड किया है, यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद इट कैन बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विद इन इट्स एम्बिट। सो इफ अ पर्सन अंडर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस द अदर टू पे द कंपेंसेट और डैमेज फॉर द लॉसेस ड्यू टू द एक्सीडेंट फायर, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर द इंडेमनिटी बट द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 131 ऑफ द आईसीए, है ना। 31 में हमने पढ़ा था कंडीशन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इंश्योरेंस वाली बात वहां जाएगी, इंडेमनिटी में नहीं आएगी।
यही बात इस केस में भी बोला है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मिसेस अमन सिंह एंड मुंशी लाल 1994। ठीक है, अब हमने समझ लिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपली प्रोटेक्शन के पर्पस से, एक पार्टी के प्रोटेक्शन के पर्पस से लाया गया है। जैसे कि हम लोगों ने प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा है, पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे। उसमें प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है कौन? एजेंट। तो एजेंट को अगर कुछ भी कंपनसेट कुछ भी लॉसेस होगा तो कौन बेयर करेगा? वो प्रिंसिपल ही बेयर करता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉसेस अगर कुछ भी होगा एजेंट को रिप्रेजेंटेशन के दौरान ड्यूरिंग दैट कोर्स, तो वो कौन सफर करेगा? वो प्रिंसिपल ही उसे कंपनसेट करेगा। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंडेमनिफाई करेगी, जो उसे जो भी कंपनसेट करती है उसे इंडेमनिफायर, और जो अदर पार्टी सस्टेन करती है उसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। ठीक है, टू समराइज द इंडेमनिटी, इट इज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी इम्पोज ऑन इंडिविजुअल टू बियर द लॉसेस फॉर अनदर, एंड इंजर्ड पार्टी हैज अ राइट टू शिफ्ट द लॉस ऑन टू द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, इट रिलीज फ्रॉम एनी पेनल्टी और लाइबिलिटी इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडक्ट। इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज सिक्योरिटी फ्रॉम द डैमेज लॉस पेनल्टी। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी की ही बात बताई गई है। इन इट इन सिंपल टर्म, इन सिंपलेस्ट टर्म, इंडेमनिटी रिक्वायर्स वन पार्टी टू इंडेमनिफाई द अदर इफ सर्टेन कॉस्ट स्पेसिफाइड इन दी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आर इनकर्ड बाई दी अनदर पार्ट। ठीक है, इतना आपको डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, थैंक यू।